चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे लेशन 5, द मिरेकल ऑफ एन ओल्ड स्टेज, पुराने ऋषि के चमत्कार के बारे में। दिस इज वन ऑफ रॉयल क्लिपिंग इंस्पायरिंग बट लेस वेल नोन स्टोरीज। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड स्टेज हु लिव्ड अ क्वाइट एंड होली लाइफ। रीड एंड फाइंड आउट वॉट हैपन्स वेन डिस्टेयर्स स्ट्रिकल्स। यह रोनाल्ड कैंपिंग के प्रेरणादायक मतलब क्या है, लेकिन कम प्रसिद्धि, मतलब इस ये जो कहानी है वो कम प्रसिद्ध था, मतलब ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, कम प्रसिद्धि कहानियों में से एक है। यह एक पुराने ऋषि की कहानी है जो एक शांत स्वभाव के थे और क्या थे, लिव्ड क्वाइट एंड होली लाइफ, जो एक शांत और पवित्र जीवन पर था। और यह पता करता है कि क्या होता है जब आपदा हमला करती, जब आपदा आती है तो हमला करती, उसके बारे में ये कहानी है, ये बताया गया है। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ब्रिटिश वेयर इन इंडिया, पुरनदास वॉज हाई कास्ट ब्राह्मिन, हाईली एजुकेटेड एंड पावरफुल फिंगर अस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द पेंसली स्टेट ऑफ इंडिया। ही वॉज द एजुकेट अंडर द ब्रिटिश द क्राइड आउट ऑफ मैनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट। ही बिलीव्ड, उस समय जब अंग्रेज भारत में थे, पूरनदास उच्च जाति के ब्राह्मण थे। पूरनदास उच्च जाति के ब्राह्मण, उच्च शिक्षित, मतलब अच्छी शिक्षा, उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त की थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे थे, और भारत की रियासतों में प्रधानमंत्री के रूप में एक शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन शिक्षित किया गया था और राज्य में कई सुधार किए गए थे। ही बिलीव्ड दैट वॉट वॉज गुड फॉर द ब्रिटिश वॉज गुड फॉर द इंडियंस टू। रोड्स वेयर बिल्ट एंड स्कूल्स हॉस्पिटल्स वेयर सेट अप। He even traveled to England, was made a knight, commander of the order of the Indian Empire. उनका मानना था कि अंग्रेजों के लिए जो अच्छा था वह भारतीयों के लिए भी अच्छा था। सड़कें बनाई गई, स्कूल बनाया गया, अस्पतालें बनाई गई, स्कूल बनाया गया, हॉस्पिटल स्थापित किए गए, यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने भारतीय समाज के आदेश का एक नाइट कमांडर बनाया गया। फिर उन्होंने सब करने की कोशिश की। देन वन डे ही ट्राइड ऑफ दिट ऑल, he gave up all his power and wealth and become a sannyasi barefoot. He left the city where he lived and went to the. उन्होंने यह सब करने की कोशिश की और उसने अपनी सारी शक्ति और धन छोड़ दिया और वे क्या बन गए, एक सन्यासी बन गए। नंगे पैर वह सड़क छोड़ दिए और वह मतलब कहाँ रहता था, घूमते रहते, मतलब पहाड़ों पर रहता था। हिमालयस विथ द बिगनिंग बॉल अमोंग द ब्यूटिफुल डेओडर ट्रीज ही फाउंड द डियरेस्ट श्राइन एंड डिसाइडेड टू रिमाइन देयर। हिमालय पर एक भीख के कटोरे के साथ सुंदर देवदार के पेड़ों के बीच वह निर्जन मिला और वहां रहने का फैसला किया। When the village priest in the valley saw smoke in the shrine, he climbed up to mountain to welcome Purandas. He saw a look in Purandas' eyes. He reconnects that here was a man who used to controlling thousands, who had given up all that power to become a sannyasi. He bowed before Purandas and
took the beginning bowl and went back to village. जब घाटी के गांव में एक पुजारी ने मंदिर में धुआं देखा तो वह पुरंदास का स्वागत करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। उसने पहचान लिया कि वह एक आदमी था जो हजारों लोगों को नियंत्रित करता था, जिसने उन्हें सन्यासी के लिए वह सन्यासी बनने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया था। वह सारी शक्ति छोड़ दिए थे और जो उसने पुरंदास के सामने झुकाया था और भीख का कटोरा लेकर वापस गांव आ गया। He told the villagers that at last they had a true holy man at the shrine. The simple villagers were happy and Purandas come to known a Puran Bhagat. From then on his bowl was never empty. उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि अंत में वे तीर्थ में एक सबसे पवित्र व्यक्ति थे। साधारण ग्रामीण खुश थे और पुरंदास को पुरन भगत के रूप में भी पूरी तरह से मंदिर के पेड़ों के नीचे बैठे थे। वाइल पुरन भगत सेट बिनेथ द ट्रीज एंड श्राइन एब्सोल्युटली स्टील प्रेइंग द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट कम टू हिम सुन द डियर द लंगूर्स एंड इवन द हिमालयन बैक बियर कम टू हिम विल नियरली। अभी भी जंगल के जानवरों की प्रार्थना करते हुए उनके पास जल्द ही हिरणों के झुंड आए और वहां तक कि हिमालय का काला भालू भी स्वेच्छा से पारित होने में वर्षों बीत गए। फिर एक बरसात की रात पूरन Years passed. Then one rainy night, Puran Bhagat was awakened from his sleep by the neighbor's langurs. Puran Bhagat looked out into the night and saw rain water losing down the mountain side, losing the earth and carrying away the. He realized that there would be Massaid and the villagers would die as they slept if he did not warn them. Puran Bhagat rushed down into. हिमालय का काला भालू भी स्वेच्छा से उनके पास हो गया। वर्षों के बीत गए। एक बरसात की रात पूरन भगत को नींद से जगाया गया। घबराए लंगूर पूरन भगत रात को बाहर देखा कि बारिश का पानी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे दूर ले जा रहा है। उसने महसूस किया कि वहां एक क्या है, क्या बोलते हैं, मतलब भूसंलग्न, मतलब खाली स्थान होगा। ग्रामीणों की मौत हो जाएगी क्योंकि वे उन्हें चेतावनी नहीं देते थे कि पूरन भगत जानवरों के साथ गांव में भाग जाए और सभी को जगाए। उन्होंने ग्रामीणों से घाटी से तेज आगे द विलेज विथ एनिमल्स एंड अवेयर्ड एवरी वन। ही अरेंज्ड द विलेजर्स टू मूव क्विकली अक्रॉस द वैली एंड अप नेक्स्ट हिल। उन्होंने वे पूरन भगत जानवरों के साथ गांव से भाग गए और सभी को जगाया। उन्होंने ग्रामीणों से घाटी में तेजी से आगे बढ़ने की आग्रह की और अगली पहाड़ी पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि ही शाउटेड मेकिंग श्योर एवरीवन लेफ्ट बिफोर ही फॉरवर्ड, क्या करे, उन्हें फॉलो करे, उन्हीं के पीछे चले और उनके पीछे जाने के लिए क्या किया, सुनिश्चित किया। At daylight, the villagers crept up to the place where Puran Bhagat sat against a tree with his animals around him. They found him dead. They built a shrine there in Puran Bhagat memory where they worship to this day. Din ke samay
ग्रामीणों ने उस स्थान पर चढ़ाई की जहां पूरन भगत अपने जानवरों के साथ एक पेड़ के खिलाफ बैठे थे। उन्होंने पाया कि मृत अवस्था में पूरन भगत की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं जहां वे इस नदी की पूजा करते जहां वे इस दिन की पूजा करते हैं। उन्होंने जो पूरन भगत थे उसमें उसमें क्या किया, जो वहां खत्म हो गए थे तो उसी स्थान पर क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। आगे है आपका टेक द राइट आंसर, आपको जो सही आंसर पर टिक का निशान लगाना, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।